राजस्थान में मामले लगभग 2034 है, 27 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। मेरा सवाल आपसे ये है दो बिंदुओं पर, एक तो लॉकडाउन को लेकर आपके राज्य की क्या सोच है इस वक्त, दूसरा कहां पर आपको लगता है ऐसे अभी भी कुछ मामले हैं जिसमें अगर बेहतर स्ट्रैटेजी के साथ बढ़ा जाए तो आप आंकड़ों को कंट्रोल कर पाएंगे, ग्राफ को नीचे ला पाएंगे। वो ग्राफ भी दिखा दीजिए जो हमने आज तक पर बनाया है तमाम राज्यों का। रघु जी देखिए मैडम, जहां तक लॉकडाउन का प्रश्न है आपने उठाया, लॉकडाउन हमारे यहाँ 22 तारीख को हमारी सरकार ने, राज्य सरकार ने, पहली सरकार थी पूरे कंट्री की जिन्होंने लॉकडाउन 22 से ही शुरू किया। जब प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था उस दिन हमारे यहाँ लॉकडाउन शुरू हो गया था, और 24 से फिर भारत सरकार ने भी लॉकडाउन कर दिया। तो लगभग अब 3 मई तक 40 दिन से ज्यादा का लॉकडाउन हो जाएगा जब ये अवधि पूरी होगी जी। तो लॉकडाउन अगर इस समस्या का समाधान है, अगर ये भारत सरकार और पूरे कंट्री में ये अगर सहमति बनती है कि लॉकडाउन ही इसका समाधान है, हम इससे मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को रोक पाए हैं, निसंदेह इसमें कामयाबी हमको मिली है। क्योंकि हमारे कंट्री के हालात अलग तरीके के हैं, हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी जिन संपन्न और डेवलप्ड कंट्रीज के मुकाबले उतना बढ़िया नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन तो यही था लॉकडाउन का, लेकिन अब ये देखना पड़ेगा पूरे देश में कि लॉकडाउन से 40 दिन से ज्यादा की अवधि पूरी कर चुका कंट्री, क्या क्या परेशानियां दूसरी हो रही है उनको अगर हम देखेंगे पहले, तभी इस पे दोबारा, क्योंकि लॉकडाउन आखिर कितने दिन तक चलेगा ये भी एक प्रश्न आम आदमी के दिमाग में है अभी जी। और जो आंकड़े हैं सर, क्योंकि और अगर जहां तक तैयारी की बात आपने पूछा जी, पूरी करें। देखिए हमारे राजस्थान में हमने ज्यादा जांचों पर जोर दिया है। दो तरह की जांच, एक रैपिड टेस्टिंग किट की जांच थी और एक आरटीपीसीआर टेस्ट की हमारे पास फैसिलिटी थी। 2 मार्च को जब पहला केस आया इटली के टूरिस्ट के रूप में, यहाँ हमारे पास जांच की सुविधा नहीं थी बिल्कुल। हमने उनके सैंपल लेके पूना की वायरोलॉजी लैब में भेजा, एक दिन बाद उसकी जांच की रिपोर्ट आई। उसके बाद हमारे चीफ मिनिस्टर ने इंस्ट्रक्शन दिए कि हमें जांच की सुविधा राजस्थान में डेवलप करनी है, और मुझे खुशी है इस बात की कि 2 मार्च से लेके आज 25 अप्रैल के बीच में हमारी जो जांच की कैपेसिटी है वो हमने 5006 टेस्ट पर डे हम लोग कर सकते हैं, और आने वाले एक वीक के अंदर 10,000 टेस्ट, ये वो कंफर्मेटरी टेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, आरटीपीसीआर टेस्ट। इसके बीच में हमने रैपिड टेस्टिंग किट, एक उम्मीद जगी थी कि भाई इनसे हम बल्क में सैंपलिंग कर पाएंगे, लोगों की जांचें कर पाएंगे, और एंटीबॉडी टेस्ट होने से लोगों का अंदाजा लग जाएगा कि स्प्रेड कितना हुआ है। अनफॉर्चुनेटली जब 12 कंपनियों को आईसीएमआर ने अप्रूव किया था, 12 को हमने मेल किया, उसमें से 4 ने रिस्पॉन्ड किया, 3 चाइनीज कंपनी थी, 1 साउथ कोरिया की कंपनी थी। हमने उनको ऑर्डर प्लेस किया तो चाइनीज कंपनी ने ऑर्डर पहले दे दिया, उसके बाद आईसीएमआर को भी शायद चाइनीज कंपनी की सप्लाई मिल गई थी, उन्होंने 30,000 किट हमको भेजी, 10,000 किट हमने प्रिक्योर की। हमारे पास एसएमएस अस्पताल में जो भर्ती मरीज थे जिनको आरटीपीसीआर टेस्ट के माध्यम से पॉजिटिव घोषित किया जा चुका था, हमने कहा इसकी जांच करवाना चाहिए रैपिड टेस्ट की कि इसकी कितनी उपयोगिता है, कितना ये एक्यूरेसी है जी। तो हमने वो जो पॉजिटिव केसेस थे उन पे 168 जो रैपिड टेस्टिंग किट थी इनकी जांच करवाई। अब आप बताइए कि उसमें जो मैचिंग था ना आरटीपीसीआर टेस्ट के साथ, इनका 90% मैच हो जाता तब तो हम इसको आगे जारी करते, लेकिन जो परसेंटेज आया, हमारे माइक्रोबायोलॉजी के हेड, हमारे मेडिसिन डिपार्टमेंट के हेड, एक टीम बना के हमने इन रैपिड टेस्टिंग किट की जांच करवाई तो वो 5.4% कोरिलेट कर पाया उससे, आरटीपीसीआर टेस्ट से। तो हमने इसको बंद कर दिया, हमने आईसीएमआर को लिखा कि ये रैपिड टेस्टिंग किट जो है ये हमारे लिए ठीक नहीं है और हमारे जो टेस्टिंग में ये खरा उतरा नहीं है। फिर उसके बाद कई लोगों ने कहा कि राजस्थान पॉलिटिक्स कर रहा है, लेकिन शाम तक आईसीएमआर ने भी पूरे राज्यों में इस टेस्ट को बंद कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। कल भी मेरी भारत सरकार के चिकित्सा मंत्री जी से वीसी हुई, उन्होंने भी अभी भी इसको अभी भी अलाउ नहीं किया इसको, वो लेबोरेटरीज में इसकी जांच करा रहे हैं।
अगर ये खरा नहीं उतरता है तो वो खुद कह रहे हैं कि वापस भेज देंगे। तो एक तो ये, अब हमारे पास ऑप्शन बचता है सिर्फ कि भाई अगर लॉकडाउन खत्म करते हैं और ये फ्लेयर अप होता है तो इसको रोका कैसे जा सकता है जी। उसके लिए तो हमारे पास सिर्फ एक ही साधन है कि हमारी टेस्टिंग फैसिलिटीज हम कितना बढ़ा सकते हैं कंट्री के अंदर। अभी जैसे भीलवाड़ा मॉडल की चर्चा हुई, आप सब लोग कर रहे हैं, भीलवाड़ा में जिस तरह से हमने कंटेनमेंट का प्रोग्राम किया, रूथलेस कंटेनमेंट, और उसके बाद में फिर भीलवाड़ा के बाद झुंझुनू हुआ, झुंझुनू के बाद में रामगंज आया, अभी रामगंज में हॉटस्पॉट बने हुए 6 पूरे स्टेट के अंदर। हमारे आज 9 बजे जो सुबह रिपोर्ट मिली मैडम, उसमें 2,059 लोग पॉजिटिव हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि उसमें से लगभग 500 लोग, 500 लोग वो पॉजिटिव से नेगेटिव भी हुए हैं, और हमने 200 लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया अस्पतालों से। हमारे यहाँ पर सिर्फ 1137 लोग भर्ती हैं, जो वार्डों में है अधिकांश, 4 लोग आईसीयू में है सिर्फ, उनमें से 3 लोग वेंटिलेटर पे हैं। और ये जो ग्राफ मैं आपको दिखा रहा हूँ पिछले 7 दिन में दिखाई, ये हमने राजस्थान में संक्रमण में वृद्धि दर में कमी लाए हैं। हम जो 7 दिन का हमने इवेल्यूएट किया है, ये जो स्प्रेड होने में इसके संक्रमण की दर को हम कम कर पाए हैं, और जो मोर्टिलिटी रेट है हमारी जी, वो नेशनल मोर्टिलिटी रेट है 3.18, हमारी 1.43 है, और जो भी लोगों की कैजुअलिटीज हुई राजस्थान में वो अन्य बीमारियों की वजह से हुई, एक भी पेशेंट सिर्फ कोविड की वजह से डेथ नहीं हुई है।